हे फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ देहरादून के टपकेश्वर नाथ मंदिर में। टपकेश्वर मंदिर जो है वो दो रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट, ये गुरु द्रोण का बोला जाता था, गुरु द्रोण यहाँ पे जो पांडवों एंड कौरवों के गुरु थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पे उनका घर था, यहाँ पे उनकी फैमिली थी और उनके पुत्र जो अश्वस्थामा थे उनका जन्म स्थली यही है, यहीं पे वो पैदा हुए थे। एंड सेकेंड रीज़न, जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों का तो वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने एक शिवलिंग बनाई थी पूजा करते वक्त, और कुछ ऐसा है जो नेचुरली उस शिवलिंग पे अपने आप पानी टपकता रहता है और कहाँ से है क्या है कुछ पता नहीं चलता है, तो एक इस वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा टपकेश्वर नाथ मंदिर। और तो चलिए, मैंने रीज़न तो बता दिया, अब चल के दिखाती हूँ इस मंदिर में है क्या क्या। ये बहुत बड़ी मंदिर है और नेचुरल मंदिर है, एकदम नेचुरल लुक आता है और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ कि जब आप यहाँ आएँ देहरादून में तो टपकेश्वर नाथ मंदिर ज़रूर आएँ, और यहाँ आने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे परमानेंटली एक शिव भजन चलता रहता है तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ आएँ, थोड़ा टाइम निकाल के आएँ, कम से कम घूमने में तो जो आपका टाइम लगेगा वो लगेगा ही, घूमने के बाद आप कहीं पर भी करीबन 5 से 10 मिनट अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करें बैठ के, तो वाकई में मन को और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता, अंतर आत्मा बोलते हैं जिसको, वो भी काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तो सो डेफिनेटली आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे। तो ये देखिए, एंड जैसे मैंने कहा था कि नेचुरल मंदिर है, तो यहाँ पे जब आप अंदर एंट्री करते हैं ऊपर जो है वो ऑब्वियसली नेचुरल तो कम्प्लीटली हो नहीं सकता, बिकॉज उस ज़माने में सिर्फ गुफा ही गुफा रहे होंगे, तो और काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस है एंड यहाँ पे ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड मार्बल्स यूज़ करके मंदिर भी बनाई गई हैं आपके कम्फर्ट के लिए, तो फिर भी नेचुरल चीज़ों का ध्यान रखा गया है, पूरी तरीके से इसको मैनमेड चीज़ों में कन्वर्ट नहीं किए हैं। तो बाहर ही आप आएंगे तो आपको काली माता जी का दर्शन करने को मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, एकदम गुफा जो है वो गुफा का रूप वो चेंज नहीं किया गया बहुत, जब आप अंदर जाते हैं तो आपको गुफा जैसे ही चीज़ लगती है, काफ़ी ठंडक है अंदर और यहाँ काफ़ी नेचुरल लुक आता है। यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत सारे भगवान, बहुत सारे माता जी की मूर्तियाँ हैं एंड यहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी लिखे हुए हैं, तो अच्छी बात है, नॉलेज के लिए काफ़ी पता भी चल जाता है कि क्या है क्यों था ये, तो आप यहाँ आएँ, डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो यहाँ पे भी शिवलिंग है एक शिव जी का, और आगे भी जाएंगे तो एक बड़ा सा शिवलिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, तो थोड़ा आराम से टाइम लेके आएँ, कोई जल्दबाजी नहीं करें। ये देखिए एक शिवलिंग ये है, आप इससे आगे जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, माता जी की, शिव पार्वती की, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको बहुत सारे भगवान, बड़ा सा घंटा मिलता है। तो अभी मैंने यहाँ अपनी फैमिली के साथ जल चढ़ाया, फिर जैसे मैंने कहा था बहुत सी मूर्तियाँ, छोटे छोटे मंदिर हैं अलग अलग माता रानी के, तो यहाँ पे आके दर्शन किया, फिर छोटी छोटी और भी मंदिर हैं जैसे मैं आपको दिखाते जाऊँगी, और फिर फाइनली मैं आपको लेकर जाऊँगी उस शिवलिंग के पास जिस शिवलिंग के नाम पर ही मंदिर का नाम पड़ा है टपकेश्वर, यहाँ पर पानी टपकता रहता है। तो यहाँ से अब हम आएंगे, गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और इसके बाद नीचे मैं आपको दिखाती हूँ तो बहुत सी माता जी की मूर्तियाँ हैं, राधा कृष्णा, विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी एंड गुरु द्रोण हैं, एंड ये भी कोई गुरु हैं, ये मुझे नहीं पता कौन से गुरु हैं, एंड ये देखिए ये हैं भगवान जी। तो इसके बाद हम आगे आएंगे एंड इसके बाद
तो ये देखिए, ये वो बड़ा वाला घंटा है जिसको मैंने कहा था कि बड़ा सा घंटा है यहाँ पर। तो इसके बाद आप आइए, देखिए वह शिव पार्वती जी का यहाँ पे हवन कुंड भी है, छोटा सा हवन होता है। बजरंगबली जी हैं, सीताराम जी हैं, राधे कृष्ण हैं, शिव पार्वती जी हैं, बहुत से मुझे तो लगता है सारे भगवान यहाँ पर हैं। तो ये, और अब देखिए ये जो आपको सामने शिवलिंग दिख रही है, ये वही शिवलिंग है जिसको पांडवों ने बनाया था और इसके ऊपर नेचुरली अपने आप पहाड़ से पानी टपकता रहता है। तो ये शिवलिंग है, शिवलिंग के बगल में ही जस्ट सामने ये वो गुफा है जहाँ पे बोला जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ये वही एग्जैक्टली वही गुफा ही है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके बारे में भी कुछ डिटेल में मार्बल पे लिखा हुआ है। एंड उनकी मूर्ति भी बनी हुई है, ये देखिए इन्होंने लिखा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का यही जन्मस्थली है यही गुफा। और इसके बाद एक अंदर छोटा सा मंदिर है गुफा टाइप का, और वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का जो भी पूजा अर्चना लोग करना चाहते हैं वो होता है। बट जब आप यहाँ आए, और क्योंकि बहुत छोटे छोटे से गुफा भी टाइप के यहाँ, तो थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने सर को लेके, वरना कई बार क्या होता है आप भूल जाते हैं और अचानक से उठते हो सर में चोट भी लग सकती है। तो थोड़ा सा आराम से और यहाँ आए, दर्शन करें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये हो गया, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अब बाहर क्या क्या है, या थोड़ा बहुत क्या यहाँ पे अपनी पोज देके पिक्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मंदिर, और अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर आपको दिखाते हुए। तो ये पूरा मंदिर था जहाँ से हम अंदर गए थे, अब हम वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा मंदिर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। और ये वो बोर्ड जो स्टार्टिंग में थी, यहाँ पे जो भी होता है वो सब कुछ लिखा जाता है। एंड ये शिवलिंग एकदम स्टार्टिंग में ही पड़ती है, शिवलिंग एंड शिव जी की मूर्ति एंड शेष नाग। इसके बाद अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ बाहर निकलने के लिए भी स्टेयर्स दी गई हैं, सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियों से जब हम नीचे को जा रहे हैं, तो नीचे से जाने के बाद यहाँ पे एक रिवर लोग बहती है, नदी बहती है। तो ये वो नदी है जो एकदम नेचुरली नीचे आ जाते हैं देखने में, और ये बहुत बड़ा सा मंदिर है। थोड़ा सा मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। तो आगे कुछ है नहीं, बस आगे वैसे ही मंदिर है और नदी बहती जा रही है। तो हम वापस चलते हैं, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं एक और, ये नदी जो नीचे है उस ब्रिज को क्रॉस करके हनुमान जी की जो बहुत बड़ी सी मूर्ति देखे। और इसके बाद एक तरफ आप आएंगे तो मंदिर बना हुआ है संतोषी जी का, और यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान हैं। तो ये भी छोटा सा एकदम गुफा टाइप का मंदिर है, यहाँ पे शिव जी हैं, और उसके बाद राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सारे भगवान जी हैं। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ बहुत सुंदर सी एक मूर्ति है, एकदम नेचुरली जो रॉक्स है उसे काट के बनाया गया है, तो गणेश जी की मूर्ति है। एंड ये जो रॉक्स काट के बनाए गए हैं तो बहुत बढ़िया इन्होंने यूज़ भी किया है उसका। यहाँ पे एक पूरी कृष्ण जी और गोपियों की और गोकुल धाम वासियों का पूरा मूर्ति बनी हुई है, और शिव जी कृष्ण जी ने यहाँ पे लग रहा है जैसे गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठा रखा है, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड ये है यहाँ पे एक वैष्णो देवी गुफा, जो कि अगर आपको सफोकेशन प्रॉब्लम है तो आप अंदर ना जाएं, अदरवाइज जाएं, ये एक्चुअल में गुफा वाली फीलिंग आपको आएगी इसके अंदर जाने के बाद। काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी नैरो है ये गुफा। तो ये देखिए, तो सबने कहा काफ़ी नैरो है और काफ़ी अंधेरा भी है यहाँ पे, तो दो टर्न है उसके बाद हम पहुँचेंगे अंदर गुफा में, जहाँ पे वैष्णो देवी जी की मूर्ति है पूरी एकदम, जो एक्चुअल वैष्णो जी हैं बिल्कुल इन्होंने कॉपी की है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए वैष्णो जी की मूर्ति, और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये हो गया। और वो सामने गेट दिख रही है, मैं यहाँ से बाहर आ गए हैं और ब्रिज क्रॉस करके मैं ऊपर आई हूँ। ये शिव जी की मूर्ति है एक और,
जैसे मैंने कहा था, यहाँ बहुत से भगवान जी हैं, लगभग सारे भगवान जी हैं। तो ये ज्वाला देवी जी हैं छोटी सी गुफा में, एंड ये भी काली माता हैं। और यहाँ से ये पूरा टपकेश्वर मंदिर मैंने आपको दिखाया है जो भी है, ये गुरु द्रोण की मूर्ति है। तो और यहाँ पे बहुत से पंडित भी मिल जाएंगे अगर आपको कुछ पूजा वगैरह करवानी है यहाँ पर। तो अगर आपको मेरी ये टपकेश्वर नाथ की जो वीडियो है पसंद आई हो व्यू सारी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू।